वजीर बराए सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सैयद याफर अब्बास बुखारी दो रोजा दौरे पर मुल्तान पहुंच गए। वजीर बराए सोशल वेलफेयर सैयद याफर अब्बास बुखारी ने ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंसदाद तशद्दुद बराए मरकज, खवातीन सेंटर का दौरा किया। रिपोर्ट करेगी सुहिरा तारिक। वजीर बराए सोशल वेलफेयर बैतुल माल सैयद यावर अब्बास बुखारी दो रोजा दौरे पर मुल्तान पहुंच गए। सोशल वेलफेयर मतीतल कम्प्लेक्स के मुख्तलिफ इदारों का दौरा किया, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर का दौरा किया। मिनिस्टर ने सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में पौधा भी लगाया। फैसिलिटी इतनी अच्छी है लेकिन उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डे वन से रखा ही नहीं गया। जिस तरीके से इसकी कैपेबिलिटी थी काम करने की, हमारी बच्चियों के साथ जो ज्यादती होती है, हमारी बहनों के साथ जो ज्यादती होती है, उसको इन चेक करना, इन चेक रखना और उसका कोई सदेबाप करना, आपके पास फुली स्टेशन्ड ऑफिसर्स है ही नहीं यहाँ पे। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार्ड, चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीस फातमा चदर, SP वॉक सेंटर तलत हबीब, मैनेजर वॉक सेंटर मनीजा मंजूर और दीगर सोशल वेलफेयर अफसरान ने ब्रीफिंग दी। मिनिस्टर का कहना था कि वॉक सेंटर में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाना जरूरी है। यहाँ पे देखिये जो रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी देखी है वो ये देखी है कि यहाँ पे क्लिनिक का इक्विपमेंट तो है लेकिन क्लिनिक लेबर जो है उसकी हमारे पास डे फर्स्ट से कमी है, और डॉक्टर जो है उसकी हमें जो गायनेकोलॉजिस्ट है, बाकी हमारे पास चार साइकोलॉजिस्ट हैं। मिनिस्टर और चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में पौधा लगाया और मुल्कों को उनके अमन और सलामती के लिए दुआएं भी की गई। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान।